खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। सौ फीट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम, लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाला बाहर। मत्स्य यूनिवर्सिटी में रिसर्च अटकने से परेशान अभ्यर्थियों ने दिया धरना। वहीं कार्मिक का जूता महिला धरनार्थी को लगने के बाद अभद्रता के लगे आरोप। केडलगंज में गोदाम से घर जाते व्यापारी पर हुआ हमला, पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। और पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों का अब पार्षदों पर फूट रहा गुस्सा। वार्ड 36 में घेराव के शिकार पार्षद ने अफसरों द्वारा सुनवाई नहीं करने की बताई मजबूरी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 5 साल के मासूम गोलू की। दरअसल ये बालक मंगलवार को लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। गनीमत रही कि 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। राजस्थान में एक बार फिर खुले बोरवेल में मासूम के गिरने की घटना सामने आई है। मामला अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गांव में मंगलवार सुबह 11 बजे का है। अपने पिता के खेत में खेलते खेलते 5 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। उसे करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गहरे बोरवेल में बच्चे के गिरने की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। मासूम का नाम गोलू है और वह करीब 25 फीट की गहराई पर फंसा हुआ था। मौके पर पहुंची टीमों ने बोरवेल के पास मौजूद 60 फीट गहरे कुएं में खुदाई शुरू की। इसके जरिए वे बच्चे तक पहुंचे और उसे बाहर निकाल लिया। मेरा पोता है। अच्छा, कैसे चला गया वो झीरी में? ऐसे चलेगा, नहा रहा था ऊपर से तो झीरी पटक रखी जूती से पार और झीरी पोली पड़ी वहां में टूट हुआ ऊपर से चलेगा ऐसे चलेगा और कैसे चलेगा। तो कैसे निकाला उसको? अब निकाला जब तुमने आगा रस्सी से झीरी खोदी है, खोद कर चूड़ी फोड़ी है साइड से, जब आदमी घुस के जब निकाले हुए। तो इसमें उस कुई में सांप वगैरह भी था? हाँ, सांप निकला था। वो थोड़ा गिरता है सांप तो हमारे टाइट में हाथन पर डुबल हो, हम सांप तो ना डर पर सांप लिखाया भी ना सांप भगो नुकू हम या कोई या मागो धीरे इन माँ उसे। आप जब वहीं थे बच्चा गिरा था? हाँ, बच्चा गिरा यहीं यहीं मौजूद में। ऐसे गिरा था? ऐसे गिरा नू बसर दिन टूट के धीरे इन गिर गया और कैसे गिरा ऊपर से पटरी पटा हो रो पटम बन रो। हाँ, ये रोड़ी बजरी सी पड़ी हुआ ऊपर पानी बैठ गया होगा, पोली पानी फैले जा रहे कट को बैठ गो रांड पानी मोड़े जिनने ना भरियो पहले पुरके तो मैं धीमन से जितनी एक कुछ कुचार भर दो उनने थोड़ी सी पोली ऊपर से तो कर दे बस पटम कर बैठ गई। तो प्रशासन मौके पे आ गया था? प्रशासन तो गल्ला पीछे आयो रोड में थे जब फोन हुआ जब आयो। क्या नाम बच्चे का? क्या नाम था बच्चे का? नाम हुआ वासु गोलू का। हम उधर जिला कलेक्टर ने कहा कि गोलू का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। वहीं एसपी के अनुसार टीम के प्रयासों सहित ग्रामीणों की मेहनत और दुआओं ने गोलू को बचा लिया। लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में एक बालक अपने ही पिता के खेत में जो एक सूखा बोरवेल था उसमें गिर के फंस गया था। उसका नाम गोलू था, उम्र 5 वर्ष थी। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीमें पहुँची और गांव वालों ने भी बहुत सहयोग किया और जो उसके पास में एक कुआ था उसको थोड़ा गहरा करके दोनों कुओं के बीच में एक होल ड्रिल करके बालक को करीब आधा पौन घंटे में ही सकुशल निकाल लिया और अभी उसे CHC लक्ष्मणगढ़ ले गए जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर ने उसे एकदम फिट बताया। उसमें बेसिकली बोरवेल सूख गया था, सूखने के बाद मोटर निकाल ली और वो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो मेरी लोगों से ये अपील है कि यदि ऐसा बोरवेल है तो उसे आप परमानेंट तौर पे उसे बंद कराएं वरना बच्चों के गिरने का खतरा उसमें बना रहता है। वहीं मासूम के बाहर निकलने के बाद परिजन एवं ग्रामीणों में खुशी का माहौल बन गया।
इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से SDRF एवं प्रशासन ने बच्चे को बाहर निकालकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। ये सुबह 10 बजे के करीब हम लोगों को सबको एक सूचना मिली थी कि कनवाड़ा गांव के अंदर एक 4 से 5 साल का जो बच्चा है वो मिट्टी बस्ती है बॉर्डर के पास में उसमें दब गया है, जिसपे इमीडिएटली SDM साहब और CO साहब मौके पर पहुंचे। गांव में जो एक्टिव टीम थी, इकबाल, असर, धर्मपाल और अय्यर, इन लोगों ने जो है कुएं के अंदर से जीडी काट के इमीडिएटली काम किया। इससे पहले कि सिविल डिफेंस और SDRF मौके पर पहुंचती, इन सब ने मिल के साथ में मेडिकल टीम जो थी जो रेस्क्यू के लिए थी वो भी वहां पर मौजूद थी, और इसकी वजह से हम सकुशल बच्चे को 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया। गौरतलब है कि राज्य सहित देश भर में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में खुले बोरवेलों को ढककर रखने सहित अभिभावकों की सतर्कता भी जरूरी है। राजऋषि भर्तृ यूनिवर्सिटी में PhD करना सिरदर्द बन गया है। यहां शिक्षा संकाय के शोधार्थियों ने मंगलवार को फिर से VC चैंबर के बाहर 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। VC और रजिस्ट्रार अवकाश पर होने के कारण उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था। उधर शोधार्थियों के धरने के कारण स्टाफ का आना जाना भी बंद रहा। ऑफिस समय खत्म हुआ तो एक कर्मचारी अंतरिक्ष तिवाड़ी सीढ़ियों से कूदकर जाने लगा। इसी दौरान कार्मिक का जूता धरने पर बैठी एक शोधार्थी प्रीति के कंधे पर लग गया। प्रीति ने इसे बदतमीजी बताते हुए पुलिस को शिकायत भी दी है, जबकि कर्मचारी ने आरोप को गलत बताया है। हम 2018 के बैच के एडमिशन के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं। हम लोगों ने 2021 में अपना सबमिशन भी कर दिया था, PPSG सबमिशन जिसे कहते हैं, इन्होंने ही नोटिस निकाला था उसके अनुसार। उसके बाद में विश्वविद्यालय 2021 से लेकर अब तक हमें कोई नोटिस नहीं दिया। हम बार बार चक्कर लगा रहे हैं। हमने जनवरी में धरना दिया था, उस समय हमें वादा किया गया था कि फरवरी से हमारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हर हाल में कोई कमेटी ये लोग लाए थे, उस कमेटी की मीटिंग करा के आश्वासन इन्होंने दिया कि हम कर देंगे काम। फरवरी के बाद हम मार्च से यहाँ पे लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अप्रैल में हमने चक्कर लगाए, उसके बाद हम मई में जब यहाँ आए तब हम रजिस्ट्रार साहब से 2-3 बार यहाँ 2-2 घंटे का धरना प्रदर्शन भी करके गए। उन्होंने हमको 1-2 नोटिस उस समय उपलब्ध कराया कि DRC कमेटी बनी है तो किसकी बनी है, कैसे है। उसके बाद हमसे कहा गया समिति में के जो सदस्य हैं DRC के उनसे जाकर के मिलो, जिसके लिए हमने साफ मना कर दिया कि हम विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं, विश्वविद्यालय ही इनके लिए जिम्मेदार है, हम किसी कमेटी मेंबर से पर्सनल बात नहीं करेंगे। उसके बाद में हमने इनको रिटर्न में दिया कि हमारी ये 5 सूत्रीय मांगे हैं, इस पे अगर 26 मई तक कोई कार्यवाही, आपने कोई संतुष्टि भरा जवाब हमें नहीं दिया। उन 5 सूत्रीय मांगों में हमने कारण पूछे थे कि हमारी PhD रोकने का आदेश कहाँ है, जो कि इनके पास नहीं है। 2021 में सबमिशन का आदेश निकला था, रोकने का आज तक कोई सार्वजनिक आदेश इस यूनिवर्सिटी ने हमारे खिलाफ नहीं निकाला है कि किसी आदेश से कहीं इन्होंने रोके। अब कल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल हमारे पास कोई नहीं आया हमारी पूरी मांग सुनने। कल VC साहब नहीं थे, रजिस्ट्रार साहब नहीं थे, यहाँ के जो अधिकारी थे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह, उनमें से किसी ने हमारी कोई मांग नहीं सुनी, कोई आश्वासन भी हमको नहीं दिया। आज सुबह जब ये नानेदो ने हमारे शोधार्थी गए हैं, उस समय इनको धरना वाले शोधार्थियों को बाहर रुका हुआ है, मेन गेट के बाहर खड़े हुए हैं सारे के सारे। हम अंदर रह गए, कुछ हमारे बाहर है, केवल शोधार्थियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इतनी मोनोपोली यहाँ पे VC चला रहा है कि शोधार्थियों को गेट से बाहर रखा जा रहा है। तपती हुई धूप में VC आ गए, आए हुए, उनको आधी घंटा हो गया, हमसे बात करने को तैयार नहीं है वो। हम बाहर ही खड़े हैं, ना शोधार्थियों को अंदर लेने को तैयार है। अब हमने असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को बोला कि एटलीस्ट हमारे शोधार्थियों को इस कड़कड़ाती धूप में अंदर आने दिया जाए, वरना जो हम दो अंदर खड़े हैं हम भी बाहर जाएंगे, फिर हमें कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की। गौरतलब है कि शोधार्थियों ने 17 मई को भी प्रदर्शन किया था और 27 मई तक उनकी डिग्री रोकने का कारण बताने की बात कही थी। उधर रजिस्ट्रार ने DRC में उनके विषय भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के चलते शोधार्थी मंगलवार को फिर प्रदर्शन करने पहुंच गए। उनका कहना है कि 2017 में अधिसूचना जारी कर PhD के लिए प्रवेश परीक्षा लेकर इंटरव्यू से अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इन सभी की फीस जमा हो गई और सुपरवाइजर भी अलॉट कर दिए गए। 4 साल बाद शोध कार्य जमा कराने पहुंचे तो यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर JP यादव ने इनकार कर दिया था। यह प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है। पूर्व में जब मैंने ज्वाइन किया था, 7 सब्जेक्ट में PhD की समस्याएं थी, 7 में से 5 का सलूशन हम लोगों ने निकाल दिया संतोषजनक। एजुकेशन की PhD में हमारे पास PG न होने के कारण से कोई दिक्कत है, इसका भी सलूशन निकालने के प्रयास किया जा रहा है, लेकिन टाइम बाउंड सलूशन देना संभव नहीं है। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं कोई आश्वासन भी देना या मुझे भी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे इन बच्चों का भविष्य
उज्ज्वल हो, इनकी समस्या का समाधान निकले। बातचीत अभी मैं इनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं, क्योंकि मेरे पास जो यूजीसी के नियमों का पालन करने की बात है जो अभी संभव नहीं हो पा रहा है, भविष्य में कैसे उसका पालन कराया जा सके इसकी कोशिश की जाएगी। अलवर शहर के केडलगंज में एक बिस्लरी व्यापारी को लूटने की नीयत से उस पर हमला किया गया। कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। व्यापारी विनोद अग्रवाल अपने गोदाम से घर जा रहा था, इसी दौरान 3 युवकों ने सामान लूटने का प्रयास किया। पीड़ित के अनुसार लूटने की नीयत से बर्फ की सुई से उन्होंने हमला कर दिया, साथ ही बैग छीनने का प्रयास भी किया गया। इतने में ही पीड़ित का भाई मौके पर आ गया और उसने एक युवक को पकड़ लिया। तभी पुलिस की गाड़ी मौके पर आ गई एवं 2 अन्य बदमाशों को भी हिरासत में ले लिया गया। मैं बिस्लरी गाड़ी उठवा के पीछे हमारे गोदाम से बाहर आया, मेरे साथ लेबर थी, यहाँ पर खड़ा हुआ था दुकान के सामने। सामने गली में 3 लड़के खड़े थे, उनके हाथ में ये बर्फ खोदने वाले सुए थे, तो यहाँ खड़े थे हम आराम से। मैं लेबर को, मेरे हाथ में पैसे थे, थैला लटक रहा था, मैंने इनको पैसे दे रहा था। 5 मिनट बाद वो सामने गाली हमें देने लगे, फिर भी हम जानते नहीं थे तो देने दो गाली। उसके बाद उन्होंने 5 मतलब मिनट 2 मिनट में ही वो हमारे पास आए, एक लेबर की गुद्दी पकड़ी, दूसरे हाथ से मेरे पीठ में सुआ घोंप दिया, पीठ में सुआ घोंप दिया। वो उसके बाद मैं जेब में हाथ में जो पैसे थे वो घोंस लिए, 2-4-5 सौ रुपए थे, पर्स था वो ले लिया। लूटने की मैं जानते नहीं, तो लूटने की मंशा से आए थे, तो हम मैं भगा। भगने के बाद वो वहां जाके खड़े हो गए, फिर मैंने भाई मेरे भाई ऊपर ही मेरे मकान है, मैंने भाई को बुलाया, फिर उनको हाथों हाथ हम कोतवाली गए, कोतवाली से उनको पकड़वाया। कितने लोग थे वो? 3 जने थे। कुछ नाम पता पता, एक तो गाली में था, एक तो दीपक है नाम, एक सौरभ है और एक का नाम और मैं याद नहीं है, नाम तीनों पकड़ लिए। हाँ जी, अलवर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जल संकट बढ़ता जा रहा है। जलदाय विभाग के बाद अब पार्षदों के प्रति भी लोगों का आक्रोश नजर आ रहा है और वे उन पर समस्या हल करवाने का दबाव बना रहे हैं। वार्ड 36 में पानी नहीं आने पर 50 से ज्यादा महिलाओं ने पार्षद के घर पहुंचकर घेराव कर दिया। इसके बाद वे पार्षद को लेकर पंप हाउस पहुंचे और विरोध जताया। यहां मौजूद महिलाओं ने समस्या का समाधान नहीं होने पर रोड जाम की चेतावनी दी। महिला सुनीता ने कहा कि न बोरिंग का पानी आता है और न ही सप्लाई का पानी मिल रहा है, ऐसे में टैंकर डलवाने के 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने रोड जाम करने की चेतावनी भी दी है। लोगों ने अलकापुरी बोरिंग पर लॉक भी लगा दिया। हम पानी की समस्या लेके आए हैं, 2 महीने हो गए बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। बोरिंग कराई उसका तो पानी आ ही नहीं रहा, और जो सप्लाई है वो भी नहीं आ रहा, और 15 मिनट आता है बस, एक दिन छोड़ के वो भी। यही पानी की समस्या मेन, ये आगे 2-3 महीने हो गए। आज आए हम पार्षद जी के पास, पर जब ज्यादा दिक्कत होगी क्या बोल रहे हैं वो कह रहे, कर रहे हैं इंतजाम, वो भी पूरी कोशिश करते हैं, वो तो हमारा सपोर्ट करते हैं, फिर आएंगे, लेंगे एक्शन, धरना पे बैठ जाएंगे। उधर पार्षद रविंद्र जैन ने कहा कि AN उनका फोन ही नहीं उठाते हैं, जबकि घरों में पानी की बूंद तक नहीं आ रही। वार्ड पार्षद के अनुसार मंगलवार सुबह 6 बजे 50 महिलाएं उनके घर पहुंच गई, उसके बाद वे सब पंप हाउस पर आए हैं। उन्होंने पानी की वितरण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। यह समस्या वार्ड 36 के अलकापुरी और फ्रेंड्स कॉलोनी में ज्यादा है। पानी की समस्या तो पूरे शहर में व्याप्त है, लेकिन हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सबसे ज़्यादा कमी है। मैं यहाँ पे आया हूँ जहाँ से पानी की सप्लाई हमारे दी जाती है, अधिकारी बोल रहे हैं 3 घंटे टंकी भरी है, जबकि मुश्किल से 5-7 मिनट पानी भी नहीं आया हमारे यहाँ पे, और आधे घरों में तो पानी बिल्कुल पहुँच ही नहीं रहा है, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट को समय समय पर दी जा चुकी है, लेकिन इनकी कार्यशैली ऐसी है कि ये किस कारण से काम नहीं कर पा रही है हमको अभी तक नहीं पता। बिना पानी के टैंकर गिर रहे हैं भाई साहब। मुझे जो जानकारी है, मेरे वार्ड में 3 टैंकर दिए जा रहे हैं, लेकिन टैंकर के नाम पे खाना पूर्ति हो रही है। मात्र 3 या 4 टैंकर आज तक गिरे हैं, उसके अलावा कभी कोई टैंकर ही नहीं गिरा। अधिकारी तो ये बोल रहे हैं साहब हमने 3 घंटे टंकी भरी थी। अब हम भी यही पूछना चाह रहे हैं कि 3 घंटे अगर आप टंकी भरते हो तो हमको 45 से 50 मिनट पानी मिलना चाहिए, वो पानी कहाँ पे गया? हम यही पूछ रहे हैं, क्योंकि इनके जो ये खोलने वाले हैं ये सब शराब के आदी हैं, रात में आते हैं, कहाँ बाल खोल दिया, कहाँ नहीं खोला, इनको खुद को ही जान को रही नहीं होती। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये तो इनको संभालनी पड़ेगी अधिकारियों को। AN हमारा फोन नहीं, ये भी कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि AN JN और XN हमारे फोन नहीं उठाते।
एक्सीएन साहब तो फिर भी थोड़े बहुत फोन उठाते हैं, एएन तो लगभग एक महीने से कंटिन्यू फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता। उधर पानी की समस्या से परेशान पहाड़गंज और हजूरी गेट के लोग मंगलवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरकारी बोरिंग पिछले करीब 15 दिनों से खराब पड़ी हुई है, अवगत कराने पर भी बोरिंग को सही नहीं करवाया गया है। इसके अलावा विभाग द्वारा पानी के टैंकर भी नहीं भिजवाए जा रहे। हमारे साथ पहाड़गंज में जो बोरिंग थी वो खराब हो गई कम से कम 15 दिन से, और पानी की एक बूंद नहीं आ रही, ना ही मीठे पानी की सप्लाई हो रही है और ना टैंकर आ रहे। काफी दिनों से परेशान है, समस्या का समाधान नहीं हो गया। कैसे काम चला रहे? प्राइवेट टैंकर मंगा रहे हैं और कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है। काफी दिनों से बोल दिया कर्मचारियों, बिल्कुल अवगत करा दिया है, आई एन जी इनको डेली कह रहे हैं कल कराएंगे परसों कराएंगे। हाँ, वार्ड नंबर 10 से आया है, ना तो हमारे बोरिंग खराब होगी वो, ना तो वो ठीक करवाई, और ना टैंकर आ रहा है ना मीठा पानी आ रहा है। हम बहुत ज्यादा के नम दुखी हो रहे हैं पानी के लिए। कितने दिन हो गए? हो गया महीना हो गया, और घर घर से मांग मांग के लाते हैं पीने के लिए पानी, और ना टैंकर भेजते हैं। अधिकारी क्या कहते हैं इनको? अधिकारी कह रहे हैं करवा देंगे, कोई करवाता है नहीं। अपने जो पानी की समस्या है वो ज्यादा, क्योंकि ना टैंकर आते हैं ना पीने का पानी, जैसे बोरिंग का आता है ना नल का आता है, बोरिंग खराब पड़ी हुई है। और बोरिंग का टाइम सुबह 10 बजे से, रात को 10 बजे से और सुबह 8 बजे तक का है, उसे 4 बजे बंद कर देते हैं। भाई जो टाइम है वो तो रहना चाहिए ना, ये थोड़ी है कि खराब भी पड़ी है। वो खराब पड़ी हुई है फिलहाल, तो काम कुछ नहीं हो रही है, बहुत परेशान है पानी के लिए। कराया था, अब दोबारा आए। और वहीं जल संसाधन खंड अलवर ने आगामी मानसून के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अधिशासी अभियंता संजय कुमार खत्री के अनुसार 24 एवं 25 जून तक मानसून आने की संभावना है, ऐसे में सभी बांधों पर बजरी के कट्टे भरवा दिए गए हैं। खत्री ने कहा कि समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मानसून 24-25 जून के आसपास आने की संभावना है हर वर्ष की भांति, और विभाग द्वारा सभी बांधों की ऑयलिंग ग्रीसिंग और उन पे कट्टे रखवाने का कार्य और ये प्रगति पर है, जो 15 जून तक हम करा लेंगे, तो मानसून पूर्व फोन करा देंगे। आप कैसे बताए? राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जिला जज हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिले के समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13 जुलाई को अलवर जिले के समस्त न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इसमें लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव एवं ADJ भारत भूषण शर्मा ने बताया कि जिला एवं सेशन न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिला जज हरेंद्र सिंह द्वारा राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित करने एवं प्री काउंसलिंग आदि को लेकर निर्देश प्रदान किए गए। राजगढ़ गढ़ी सवाईराम मार्ग स्थित ग्राम झांकड़ा में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं एक घायल हो गया। सोमवार की देर रात्रि यह हादसा सामने आया। पुलिस के अनुसार सेड की नांगल निवासी मातादेन जोगी और उसका साथी रघुराज जोगी बाइक पर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा में पगड़ी रस्म कार्यक्रम में गए थे। वापस अपने गांव लौटते समय ग्राम झांकड़ा में बोलेरो से बाइक की टक्कर हो गई। इसके चलते मातादेन जोगी की मृत्यु हो गई एवं रघुराज जोगी को गढ़ी सवाईराम से अलवर रेफर किया गया है। इस संबंध में मृतक की परिजन हीराबाई ने बोलेरो से एक्सीडेंट का मामला दर्ज करवाया है। 27 तारीख को थाने पर सूचना मिली कि झांकड़ा के पास में एक्सीडेंट हो गया, उसके तला पर दयाराम हेडक्वार्टर में जाते में सरकार जीप के मौके पर पहुंचा, तो मौके पर ही माता जी सुनो दीपाराम जाति जोगी उम्र 50 साल निवासी सेठ का नांगल बल्लूपुरा राजगढ़ जिला अलवर की मौके पर मृत्यु हो गई थी, और एक इनके साथ साथ में था जो रघुराज योगी जिसको अलवर रेफर कर दिया था गढ़ी अस्पताल से, इसके डेड बॉडी को लेकर माता देवी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, जिसकी सुबह पोस्टमार्टम कार्रवाई की और अब आगे अनुसंधान डेड बॉडी को बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अलवर शहर के शिवनगर तिजारा फाटक स्थित एक मकान में चोरी हो गई।
पीड़िता बबीता चौधरी ने शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इनके घर में दो अज्ञात चोर पहुंचे और दूसरे कमरे में चोरी करके फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि बदमाशों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने 40,000 रुपए नगद, सोने के जेवर और 5 किलो घी सहित घर का अन्य सामान पार कर लिया। उधर शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हम रात को 11 बजे लॉक लगा के सो गए थे पास वाले, उसके बाद पता नहीं हो कितने बजे हमारे बाहर से कुंडी लगा दी गई। हम सुबह 5 बजे देखा गया है, उसके बाद देखा कि बाहर पूरा खुला पड़ा है, अलमारी का लॉक टूटा पड़ा है। कुछ सामान था कैश का वो लेके गए, 40,000 कैश थे, कान के टॉप्स थे, 2 जोड़ी पाजेब थे, चुटकी थी, बेटी का कुछ चूड़िया उड़िया थी, 1 लोकेट था गोल्ड का, वो सब ले गए। गुल्लक भी तोड़ लिया गया, 5 किलो घी, ड्राई फ्रूट, साबुन, कुल लाख के आसपास नुकसान। कितने लोग थे कोई पता लगा? सीसीटीवी आसपास दो लड़के दिख रहे हैं, कोई सीसीटीवी मिला? 1:25 के आसपास वो जाते हुए दिखाई दे रहे। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने वन विभाग एवं पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि करीब 3 साल पहले आरोपी ने पीड़ित से नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख की रकम ली थी। जब जॉब नहीं लगी और राशि वापस मांगी गई तो सालों तक वह चक्कर लगवाता रहा। इसके बाद रामनगर निवासी परिवादी मनीष शर्मा ने 15 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। एएसआई अरुण शर्मा को इसकी जाँच सौंपी गई। अब पुलिस ने आरोपी नगर क्षेत्र के निवासी ओंकार सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। परिवादी श्री मनीष शर्मा निवासी कठुआ ने 15/2/2024 को प्रकरण दर्ज कराया था कि इस प्रकार से नौकरी का झांसा देकर के आरोपी ने उससे पैसे ठग लिए। इस पर श्री अजय शाही द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से जो प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी ओंकार सिंह निवासी तरोनर थाना नगर जिला डी को टोल टैक्स जो नगर रोड पड़ता है उससे श्री अजय एसआई और मैं टीम द्वारा दस्तयाब कर लाया गया, जिसको प्रकरण आजा में गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। कितने पैसे अर्जित हैं? इसे 2 लाख रुपए की राशि नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। भीषण गर्मी को देखते हुए जोधपुर की तरह अलवर सिंहद्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति ने शहर के बिजलीघर सर्कल जैसे चौराहों पर छाया का इंतजाम किया है, साथ ही प्याऊ लगाई गई है। वहीं यातायात पुलिस ने दिन में ट्रैफिक लाइट ऑफ रखने का फैसला किया है। गौरतलब है कि नौपता के इन दिनों में अलवर शहर का तापमान 46 डिग्री तक पहुँच गया है, शाम को भी लू चलती रहती है। उधर दिन के समय बाहर निकलने वाले वाहन चालकों को गर्मी में ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए शहर के 3 ट्रैफिक लाइट पॉइंट्स को बंद किया जा रहा है। ये ट्रैफिक लाइट दोपहर में 3 घंटे तक बंद रहेंगी। अलवर शहर के यातायात प्रभारी हरिओम मीणा ने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए गए हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल जेल चौराहा, एसएमडी सर्कल और भवानी तोप सर्कल के हैं। साथ ही बिजलीघर सर्कल पर टेंट लग चुका है और भगत सिंह सर्कल एवं एसएमडी सर्कल पर भी इसकी व्यवस्था हो जाएगी। जैसा कि गर्मी अपने चरम पर है, टेम्परेचर है 47-48 डिग्री पहुंच चुका है, इसमें यातायात पुलिस का श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, सीओ साहब के निर्देशन में एक मानवीय पक्ष को देखते हुए जो 3 बत्तियां हैं उनको दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे कि लोग धूप में खड़े नहीं रहें और अननेसेसरी परेशान नहीं हों। और 3 जगह पर हम जन सहयोग से टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो 3 पॉइंट हैं जहां पर बत्ती फ्री रहेंगे, एक एसएमडी है, एक अपने भवानी तोप है और एक जेल चौराया है। यहां पर 12 से 4 बजे तक बत्ती फ्री रहेगी ताकि धूप में लोगों को खड़ा रह के परेशान नहीं होना पड़े। इसी प्रकार से जो जन सहयोग से हम टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं तो उसमें एक तो हमारे एसएमडी सर्किल है, यहां पर टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, एक अपने भगत सिंह सर्किल है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं, और एक बिजलीघर चौराया है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करा रहे हैं। बिजलीघर चौराहे पर टेंट लग चुका है और आने वाले 1-2 दिन में जो दोनों पॉइंट बचे हैं वहाँ पर भी टेंट की और पानी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ है उसको इस सहूलियत के लिए कि भाई जो पॉइंट हैं वहाँ पर इन गुमटी में बैठने के लिए भी बोला है, भाई आप बीच बीच में रेस्ट भी करें और धूप से बचें, धूप में नहीं रहें, खुले सिर नहीं रहें,
सिर पे साफा वगैरह कुछ बांध लें। श्रीमान एसपी साहब के कल ही इसमें गाइडलाइन आई है और हमने एक आयुर्वेद चिकित्सालय के माध्यम से इनको एक अमृत बूटी आती है उसकी टेबलेट्स भी दिए हैं, दिन में वो इनको लेने की सुबह और शाम लेने के लिए बताया है जिससे कि धूप से बचाव किया जाए। वहीं चौराहों पर टेंट लगने से कामगार वर्ग को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। इस भीषण गर्मी में जहाँ प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए वो पानी की व्यवस्था की जाए एवं चौराहे पे जो अपने रेड लाइट रहती है, रेड लाइट पे जो दुपहिया वाहन इस भीषण गर्मी का सामना करते हैं उसमें हमने छायादार टेंट लगा कर भी, ग्रीन नेट लगा कर भी उनको उसका लाभ पहुंचाने की चेष्टा की है। और इसमें हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, वाटर वर्क की तरफ से और सड़क देरी की तरफ से और नगर निगम की तरफ से पूर्ण सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही हमारे प्रत्येक व्यवसायी का इसमें पूरा सहयोग है और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब तक गर्मी का ये मौसम रहेगा जब तक लोगों की आवश्यकता के लिए हम लोग सेवा कर पाएंगे। इसी क्रम में हमने आज जिला अस्पताल में एक प्याऊ का संचालन किया है, इसके अतिरिक्त 5 प्याऊ अलवर में हम और संचालित करेंगे, बस स्टैंड पे, शिवाजी पार्क में, अपने राव तुलाराम सर्किल पे और काशीराम चौराहे पे, इसमें एनईपी में इसमें पानी की व्यवस्था सड़क समिति द्वारा कराई गई है, पानी पिलाने की व्यवस्था नगर निगम अपने कर्मचारी द्वारा करवा रहा है, हम लोग इसमें निःशुल्क टेंट की व्यवस्था और बाकी फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं और सभी के सहयोग से कार्य सम्पन्न हो रहा है। ठग कंपनियों एवं मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमा रकम का भुगतान पाने के लिए पीड़ित संघर्षरत हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा मंगलवार को महल चौक में उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति को ज्ञापन दिया गया। इसमें मांग की गई है कि बर्ड्स एक्ट 2019 और राज्य के पीआईडी एक्ट के तहत धोखाधड़ी एवं ठगी की एफआईआर दर्ज कराई जाए, साथ ही सभी पीड़ितों के भुगतान दावे जल्द से जल्द मंजूर करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि इन कंपनियों ने अलवर सहित देश भर के करोड़ों परिवारों को ठगा है, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज नहीं करने से जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। इसे लेकर राष्ट्रव्यापी यात्रा भी निकाली गई। ज्ञापन में संसद से पारित बर्ड्स एक्ट 2019 को सभी राज्यों में समान रूप से लागू करने और रकम वापस दिलाने के लिए सक्षम अधिकारी की नियुक्ति जैसी मांगे शामिल हैं। ज्ञापन देने वालों में गुलाब चंद, जेपी शुक्ला, मोहनलाल जैन, प्रकाश चंद सैनी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरें अभी और भी है लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में वो जा रहे हैं अपने हाथ में टेक्स लिख रहे हैं। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर आया है, बच्चा सब अच्छा है, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का आरएएस में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-8663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने पिछले अरसे में पार्टी छोड़ने वालों की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़ने वालों को पार्टी के साथ धोखा एवं गद्दारी करने वाला बताया है। सैनी के अनुसार यह बयान उचित है। ऐसे नेताओं ने 5 साल तक सत्ता सुख भोगा और संकट के समय पार्टी का साथ छोड़कर विरोधी पार्टी भाजपा में मिल गए। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मांग की है कि भाजपा में शामिल हो चुके नेताओं को दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं करना चाहिए। तो मैं गहलोत साहब के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे नेता जो 5 साल तक सत्ता में रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य सरकार में अच्छे पदों पर रहे, MLA रहे, सारी सुविधाएं उन्होंने लिए, सारे काम किए, अच्छा उनको मान सम्मान मिला पार्टी में, और आज पार्टी के थोड़ा सा टाइम खराब आया तो पार्टी छोड़ करके भाग गए। तो ऐसे नेताओं को जो आज भागे हैं पार्टी छोड़ करके, बीजेपी के साथ लगे, बीजेपी ज्वाइन करें, जिन्होंने चाहे शहर में हो चाहे राज्य स्तर पर हो, ऐसे नेताओं को मेरा हमारे सीनियर नेताओं से एक पुनः निवेदन है कि ऐसे नेता अगर वापस कांग्रेस की तरफ आए तो इनको पार्टी में जगह न दी जाए, इनको बाहर का ही रास्ता दिखाया जाए। जो मतलब ही है अपने स्वार्थ को देखते हैं, आज हमारे सरकार को, हमारे नेताओं को उनकी आवश्यकता थी जो छोड़ के भाग गए हैं। ऐसे पीठ दिखाने वालों को तो बाहर का ही रास्ता दिखाया जाए, वही अच्छा। और वहीं अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी सभी चुनावी सभाओं में अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। सैनी के अनुसार प्रतिवर्ष 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने के बजाय अग्निवीर के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया गया है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी के कारण भी सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना भारत सरकार ने लागू की है जिसका हमारा इंडिया गठबंधन क्या पूरा देश के युवा जिसका विरोध कर रहे हैं, और इसका विरोध का
भारत सरकार नरेंद्र मोदी को झेलना पड़ेगा। और एक सबसे पहला कारण अग्निवीर योजना यही है जो हमारा आज युवा इंडिया गठबंधन के साथ है और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर फेंकने में सबसे पहला कारण अग्निवीर योजना के द्वारा ही होगा। आज देश के सभी युवा इसके खिलाफ है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारे युवा आज नाराज हैं। एक युवा नाराज है, उनके साथ पूरा उनका पूरा परिवार नाराज है। सबको आज ये खिलवाड़ का, ये छलावा का सबको आज पता लग गया है कि हमारे ये बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ ये देश में जो खिलवाड़ हो रहा है इसका सब विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला पतन का कारण अग्निवीर योजना ही बनेगी जो पूरे देश का आज युवा, युवाओं का जो परिवार है आज नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ है। आज पूरे देश में सत्ता से बहुत दूर जा रही है और इंडिया गठबंधन जो आज सरकार बनाने जा रही है वो, मैं पूर्व में भी आपको बताया कि हम 300 से पार ऊपर हम जा रहे हैं और ये बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी के अमित शाह के नेतृत्व में 200 के पार नहीं कर पा रहे। तो आज शहर और ग्रामीण सब बच्चे एक हैं। आज मोबाइल और ये इंटरनेट के उस माध्यम से हमारे सारे बच्चे ग्रामीण इलाके में और शहर में कोई अंतर नहीं रहा। सब बच्चे हमारे आज इनसे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। सारी जानकारी आज हमारे बच्चों को ग्रामीण इलाके में चाहे शहर में सबको है। तो अग्निवीर योजना का तो हमारे ग्रामीणों के बच्चे चाहे शहर के बच्चे सभी विरोध कर रहे हैं और चाहे ग्रामीण के बच्चे और शहर के, जब किसी को रोजगार ही नहीं मिल रहा। हर मंत्रालय में आज लाखों वैकेंसियाँ खाली है, कोई योग्य वैकेंसी पर भर्ती नहीं हो रही है। इसलिए हमारे युवाओं में एक रोष है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार को बनाना है ताकि सब युवाओं को, अधिकतर हमारे युवाओं को रोजगार मिले। नेता प्रतिपक्ष एवं गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षक टीकाराम जूली द्वारा प्रचार जारी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में पठानकोट के हल्का भुआ में बैठक की। यहां 30 मई को होने वाले रोड शो की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। जूली ने कहा कि कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ जुट जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बाद कांग्रेस पंजाब भी जीत रही है। अब 3 दिन अपने को जी जान लगानी, जुट जाओ और मैं ये आपसे पक्का, आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आप अगर पीछे लगोगे, जनता में जाओगे, बात करोगे, लोगों को बनाओगे तो लोग जुड़ेंगे। अपने जैसे होता है ना, खेती में अगर आपने मेहनत की है तो खेती देगी आपको, ये नहीं है कि खेत आपका रखता है। इसलिए अपन जो मेहनत करेंगे वो अपने को मिलेगी। 3 दिन सिर्फ बचे, ये 3 दिन आप मेहनत कर लो। बूथ वाले अपने जो वोट है वो रहना नहीं चाहिए, सुबह से ही अपनी टीम लग जाए। एक मैं देख रहा हूँ यूथ के लड़कों की थोड़ी। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा है कि अलवर लोकसभा चुनाव के दौरान स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहे हैं। प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी और महंगाई सहित अलवर शहर में पेयजल की समस्या और सफाई व्यवस्था भी मुद्दा रहे। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी एक पहलू है। उन्होंने कहा कि पानी, सफाई और कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह ने भी कई बार राज्य सरकार की विफलताओं को उठाया है। चौधरी ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार समस्याओं का समाधान करा पाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। आज जो लोकसभा चुनाव अलवर संसदीय क्षेत्र का हुआ उसमें 3 ही मुद्दों पर ज्यादा थी, पानी की समस्या, महंगाई की समस्या और बेरोजगारी समस्या। हालांकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन खो नहीं पा रहा सरकार से। वो कितने ज्यादा बढ़ गए अपराध, युवा बेरोजगार होने की वजह से अपराध की दुनिया में जा रहा है। काम धंधे है नहीं, न किसान के पास है, न व्यापारी के पास है, न उद्योगपति के पास है और स्थिति ज्यादा विकट स्थिति। नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष डॉक्टर सरा जी दोनों ही इस बारे में कई बार मीडिया में भी हमने, अखबारों में भी हमने पढ़ा, वो सही कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में कोई ज्यादा सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि आए दिन सड़कों पे चलना आम आदमी का तो बहुत मुश्किल हो रहा है और जिसमें महिलाओं के साथ तो डेली पेपर में एक दो न्यूज आई जाती। अलवर के आशीष जैमन को सेकंड एनसीसी ऑफिसर की रैंक मिली है। वे सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं। नेशनल कैडेट कोर की दीक्षांत परेड चेन्नई में संपन्न हुई थी। इसमें उन्हें एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की सेकंड ऑफिसर रैंक प्रदान की गई। वहीं सेंट टेरेसा स्कूल की प्रधानाचार्य सिस्टर जॉमी ने जैमन का सम्मान किया। अलवर निवासी आशीष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं।
और वहीं एनपीपी नेशनल चैंपियन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर खुदनपुरी के पावर लिफ्टर प्रकाश वर्मा का स्वागत किया गया था। ढोल नगाड़े और डीजे के साथ उनका अभिनंदन हुआ। इस दौरान प्रकाश वर्मा ने भविष्य में और अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भरोसा जताया। इस मौके पर मास्टर कुंदन लाल जाटव, गोकुल राम, लालचंद वर्मा, रवि कुमार, लोकेश, विजय, देवतवाल और महेंद्र आदि मौजूद रहे। नाम प्रकाश वर्मा, मैं खुदनपुरी डिस्ट्रिक्ट अलवर का रहने वाला हूँ। एनसीपी नेशनल प्रतियोगिता चैंपियनशिप में अभी मैं जयपुर में हुई थी, इसमें मैं गेम खेलने गया था जिसमें मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और सभी भाइयों ने मुझे एक अच्छे से सम्मानित किया गया था फूल माला से मिठाई खिलाकर। मैं चाहता हूं कि इंटरनेशनल में मैं ऐसी कामयाबी प्राप्त करूं, सभी भाइयों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में 4 माह पूर्व 15 साल के नाबालिग से बलात्कार के आरोप सामने आए थे। इस मामले में जहां नाबालिग गर्भवती हो गई, वहीं अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। साथ ही परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये 76 का मामला है, बच्चा रह गया, बच्ची के 15 साल की लड़की है। कौन सी जगह की बात है? ये शेख पर खुद्याना। तो आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? कराई थी तो थाना वाला पैसा खा गया साहब, 10 लाख रुपया। हॉल्स का काम करते हैं वो, हॉल्स काटते हैं। बाप का नाम है रुद्दार, बेटा का नाम है 76 करने वाले का आबिद। शेख पर कहीं है, ये खेत का बिछाटा है, ये रानी मुंडी है, मैं इनका दादा लगता हूँ। साडू का लड़का की लड़की है उसकी। पुलिस पैसा खा गई जी, वो तो गई नहीं अभी तक, झांकी नहीं है शेख पर कुड्याना में, मतलब कोई जीप ना गई उनकी। किन से मिलने आया? एस पी साहब से मिलने आए जी। बलात्कार करा मेरी लड़की से, घर से अकेली थी, अकेली फिर मेरी छोरी ने घर में से कोठा में कमरा में अंदर कोठा मुंद के नहीं, मैं लड़की को मेरे को मैं जंगल लू गई मजदूरी करन गई मेरी एक घर जंगल में रोड मचाई छोरी ने कही तेरी तेन रोड मचाई तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, फोटो बना कर छोड़ दूंगा। मेरी छोरी को डरा दी, हम काटा हाँ, जितने अपनी मम्मी से कही तो तुझे मार देंगे। लड़की क्या उम्र है? 15 साल। हाँ, तो आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करा? रिपोर्ट दर्ज करवाई सदर में, सदर का थाना वाला कोई मुलजिम पकड़ो नहीं है, ना कोई कार्रवाई कर रही। ओलेस वाला हूँ, 10 लाख भरा रुपये हम सदर में, जामा सदर में नुकनी भगजा चाहे से भगा दे। अब मिलने आया हाँ यात्रियों को अलवर बस स्टैंड पर पानी सहित मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेने कलेक्टर आशीष गुप्ता यहां पहुंचे। उनके द्वारा सोमवार शाम को मत्स्य नगर आगार स्टैंड का निरीक्षण किया गया, साथ ही उन्होंने प्याऊ पर उपलब्ध पानी को देखा। वहीं बस स्टैंड सहित प्लेटफार्म पर साफ सफाई रखने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्य प्रबंधक सपना मीणा, यातायात शाखा प्रबंधक यश प्रधान और प्रशासनिक अधिकारी संजय चौधरी आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना के तहत पानी के बकाया बिलों की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 31 मई तक छूट मिलेगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल योजनाओं के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर यह छूट लागू होगी। मौजूदा बकाया बिल की राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज एवं शास्ति में 100% छूट दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह सुविधा दी गई है कि जो बिजली जो पानी के बिल जमा नहीं हुए हैं जिन भी उपभोक्ताओं के, उन पर जो भी शास्ति लगाई जाती है और जो ब्याज लगाया जाता है उस सभी से पूरी छूट है। ये 31 मई तक योजना है। मैं सभी उपभोक्ताओं से, जल उपभोक्ताओं से ये अपील करता हूँ कि वो समय से इनको जमा कराएं और राज्य सरकार की जो ये एक अच्छी योजना है इसका लाभ लें और उससे जो ब्याज और शास्ति लगी हुई है उस पर छूट लेने की कोशिश। खबरें अभी और भी है लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो जा रहे हैं आप भी इतना अच्छा है, लिख के बहुत सुंदर रहा है, ये तो लिख ही लेगा पक्का। नहीं
अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने अंतरिम जमानत से फरार 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा और कारतूस भी जब्त किया गया है। थानाधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि आरोपी पवन चौधरी के खिलाफ न्यायालय पॉक्सो संख्या 2 से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। वहीं
एमजेएम कोर्ट मालाखेड़ा में भी गिरफ्तारी वारंट जारी थे। मोटरसाइकिल लूट के प्रकरण में पवन फरार चल रहा था और पुलिस ने सोमवार को उसे पकड़ लिया। मालाखेड़ा के ग्राम खरखड़ा में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। यहां मंगलवार को छठे दिन स्वामी कमलदास बापू ने कार्तिकेय गणेश जन्म सहित हनुमान जन्म की कथा सुनाई। वहीं गणेश जन्म की भव्य झांकी दिखाई गई। बुधवार को अंतिम एवं सातवें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी। साथ ही 30 मई को सुबह 8:15 बजे हवन होगा। गुरु गजानन भगवान की आज शिव महापुराण का कस्टम दिवस है। आज आप लोगों ने सबसे पहले स्वामी कार्तिकेय जन्म और गणेश जन्म की कथा सुनी। कल श्री शिव महापुराण की अंतिम कथा है। कल सप्तम दिवस है। कली शिव महापुराण की विदाई है। जो माताओं बहनों ने कथा सुनी है और कल शिव महापुराण की विदाई करेंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन को लेकर एसडीएम देवी सिंह ने निर्देश दिए हैं। साथ ही तेज गर्मी में पानी की किल्लत ना हो इसके लिए वे जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के साथ ही समीक्षा कर रहे हैं। विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी पानी की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार का कहना है कि जल जीवन मिशन और विभाग की योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं को पानी उपलब्ध करवाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ेल का वहाँ टैंकरों सप्लाई होगी। यदि उपखंड क्षेत्र में कहीं पानी की किल्लत है तो कोई भी ग्राम पंचायत की कमेटी होती है और कमेटी एक प्रस्ताव पारित करे और वहाँ टैंकर की सप्लाई चालू करवा दी जाएगी। किसी को प्यासे नहीं रहने दी जाएगी। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के समीप बायोमेडिकल वेस्ट डाले जाने से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। कुछ नीम हकीम और प्राइवेट प्रैक्टिशनर अस्पताल के पास खाली जगह पर यह बायोमेडिकल वेस्ट डाल रहे हैं, जबकि अलवर नगर निगम और चिकित्सा विभाग की ओर से इसे एकत्र करने के लिए यहां मोबाइल वैन भी आती है। उधर यहां मौजूद एक खुला हुआ कुआं दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी मंगलवार को मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। साथ ही हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद की ओर से बालेटा पंचायत मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर में आयोजन हुए। यहां सुख समृद्धि की कामना के साथ हवन में आहुतियां भी प्रदान की गई। साथ ही हनुमान जी के सेवकों ने चोला भी चढ़ाया और महाआरती आयोजित की। पदाधिकारी रोहताश शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के पिनान स्थित सैनी मोहल्ले में मंगलवार को आग लग गई। इससे कुछ कच्चे घर जलकर राख हो गए। तेज गर्मी के मध्य लगी आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। बाद में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं घरों में बंधे मवेशियों को समय रहते बाहर निकालने से उनकी जान बच गई। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ठेकड़ा और उलाहेड़ी की वर्तमान आबादी लगभग 3,860 है। इसके अनुरूप राइजिंग और सर्विस लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। सहायक अभियंता बरकत खान ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 4 नलकूपों का निर्माण ठेकड़ा और 1 नलकूप का निर्माण उलाहेड़ी में किया गया है। साथ ही अन्य कार्य जारी हैं। कुल 424 में से 295 घरों में पेयजल सप्लाई चालू कर दी गई है। उधर ठेकड़ा सरपंच चमेली ने बताया कि गांव में पानी की 2 घंटे नियमित सप्लाई की जा रही है। ठेकड़ा गांव में 4 नलकूपों का निर्माण कर लगभग 9 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर 295 घरों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है। ठेकड़ा गांव में 2 पेयजल टंकी स्वीकृत की, जिसमें 1.5 लाख लीटर की टंकी का निर्माण कर उससे पेयजल सप्लाई सुचारू कर दी गई है, तथा 1.5 लीटर की टंकी का निर्माण बाकी है। पूर्व में उस टंकी के लिए जगह नहीं मिल पाई थी, इस कारण से कार्य नहीं हो सका था। वर्तमान में जगह चिन्हित कर ली गई है तथा शेष कार्य को भी अतिशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में भी गर्मी का प्रकोप चरम पर है। मंगलवार को मेगा हाईवे और मालाखेड़ा से मौजपुर सड़क मार्ग दोपहर के समय सूना रहा। दुकानों पर भी चंद ग्राहक ही नजर आए। हालांकि कामगार वर्ग के लोग तेज गर्मी में भी कार्य करते हुए दिखे। चाय के व्यवसाय से जुड़े जगदीश चौधरी ने बताया कि वे भीषण गर्मी और धूप में भी कार्यालयों और दुकानों में चाय पहुंचाते हैं, क्योंकि परिवार का पालन पोषण भी करना है। लालन पालन तो करना है। इतनी तापमान हाई में जो भी हमको फोन करता है मालाखेड़ा कस्बे में, हम सबको चाय दे के आते हैं।
पूरे कस्बे में घूम घूम कर एक एक दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर भी लोग ये कहते हैं टैप से नहीं आ रहा। अरे टैप क्या करेगा, तापमान तो इतना हाई है जिसमें बल रहे हैं आदमी, खड़े खड़े बल रहे हैं, उनको चाय की फुर रही है, परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही है, बच्चन का लालन पालन कैसे करें फिर। आसमान से बरसती लाए के बाद भी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रत्येक मजदूर श्रमिक तथा चाय बनाने वाले सेवा करने में लगे हैं, लेकिन मजबूरी है कि उनको अपनी परिवार का पालन पोषण करना है और चाहे कितना ही तापमान हो जाए लेकिन काम पर उनको चलते ही रहना है। यह हाल है मालाखेड़ा के। आज मंगलवार को यहाँ 47 सेल्सियस का तापमान रहा, उसके दौरान जहाँ सड़कें सूनी रही लेकिन दुकानों पर चाय पहुँचाने के लिए दुकानदार पीछे नहीं हटे। इंटर जोनल यूनिवर्सिटी फुटबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता टीम में धर्मपुरा निवासी शोभा राम गुजर भी शामिल रहे। उन्होंने जिले का नाम रोशन किया है। ये टूर्नामेंट माधव यूनिवर्सिटी सिरोही में आयोजित हुआ था। वहीं शोभा राम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की टीम से खेलते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। ऐसे में क्षेत्रीय लोगों ने उनके परिजनों को बधाई दी है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्मी के चलते आउटडोर मरीजों की दैनिक संख्या करीब 300 पर पहुंच गई है, लेकिन डॉक्टर के अभाव के चलते रोगी परेशान हो रहे हैं। यहां मौजूद एकमात्र चिकित्सक को दिखाने में उन्हें काफी समय लग जाता है। कई बार मांग के बाद भी चिकित्सक नहीं बढ़ाए गए हैं। कुछ महिला रोगियों ने बताया कि तेज गर्मी में भीड़ ज्यादा होने की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे हैं। तो ये एक डॉक्टर वाजी इतनी भीड़ पड़ रही, बहुत जोर किया सुबह कहीं ना कछु लेनो देनो। कब कब के खड़े हो? बहुत देर खड़े हम, सुबह का है, सुबह खड़े नंबर आ रहे, खूब ज्यादा ही है, चक्कर आ रहा है धूपन से। एक ही कम से कम दो डॉक्टर तो होना चाहिए, अभी व्यवस्था खराब है, काफ़ी मरीजों पर चला भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं रह जा रहा, तो है कि एक डॉक्टर की भी गलती नहीं, वो अकेला बेचारे कितने को देखे, तो यही है कि ज़्यादा दो डॉक्टर हो तो थोड़ा सही। अब कितनी भीड़ है? अभी काफ़ी भीड़ है, नंबर ही नहीं आ रहा बेचारे, आधे पेशेंट परेशान हुए पड़े भाई। एक डॉक्टर है या मैंने कोई लेडीज़ को देख रहे हैं या कोई बच्चों को देखते हैं, मतलब सब जनता परेशान हुई पड़ी, सुबह शाम हो जाए हम देखते हैं। अभी एक डॉक्टर पर खान तक देखा गया, एक डॉक्टर के भरोसे चल रही है, एक डॉक्टर के भरोसे चल रही है। कितने मरीज, कितने मरीज लाइन लगी पड़ी है, भीड़ श्री में धक्का मुक्की हो रही है। भाई जी समस्या है, दिखाने के लिए आए डॉक्टर ना रहे, भीड़ बड़े जबरदस्त, नंबर लगे, फिर ये 2 बजे छुट्टी कर दिए, देखभाल ना कर पड़े तेरे। गर्मी भी है, गर्मी का मौसम है, बहुत पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान है। एक डॉक्टर से पार नहीं पड़ती इतनी भीड़ की संख्या, देखते हो करीब 2-3 डॉक्टर, एक ही डॉक्टर है बस, एक ही डॉक्टर है जी, देखे डॉक्टर भी नहीं है। अलवर जयपुर हाईवे पर अचानक हुए गड्ढे को लेकर उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने रोड पर गड्ढे के आगे अकबरपुर थाने का बैरिकेड लगा दिया था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। उधर ग्रामीणों की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे। 248 पर अकबरपुर बस स्टैंड के अंदर गड्ढा हो गया, बीच रोड करीब एक हफ्ता हो गया, NH के अधिकारियों को भी अवगत करा के आज एस डी साहब बता रहे थे, तो उसको बताया कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो एस डी साहब ने मौके पर जाकर देखा और कुछ अधिकारियों से बात करके छुट्टी करवाने का आश्वासन दिया। तो बचा हुआ है, इससे पहले भी हमने PWD के चाहिए इनको भी अवगत कराया, वो मौके पर भी आए, आज करीबन 8 से 7 दिन हुए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा इस गड्ढे में बजरी रोड़ी गिरवाई है, लेकिन ये गड्ढा बजरी रोड़ी से नहीं रुक रहा है, तो ये हटता ही जब साधन चालू हो गए तो निश्चित ही बैठेंगे। हमारा प्रशासन से ये मांग है कि तुरंत प्रभाव से इसको सही कराया जाए ताकि कोई दुर्घटना होने से बचे, यदि जब दुर्घटना हो जाएगी तो आप जब चेतोगे सुबह के बाद उससे कोई फायदा नहीं, तो हमने फिर आपसे विनती करते तुरंत प्रभाव से इसको सही कराया जाए। इससे पहले हमने जयन साहब और आई PWD को दिखा भी दिया है, आपके बाद भी करवा दिया है उनको बुलाकर। सरिस्का बाग परियोजना में वन्य जीवों के लिए पानी का इंतजाम किया गया है। इन दिनों तेज गर्मी में छोटे जलाशय सूख जाते हैं और वन्य जीव इधर उधर पानी की तलाश में भटकते हैं। कई बार वे आबादी की ओर पलायन कर जाते हैं और शिकार होने का डर बना रहता है। ऐसे में कृत्रिम बने जलाशयों को दुरुस्त कर उनमें पानी भरा जा रहा है। DFO महेंद्र शर्मा ने बताया कि सरिस्का में 250 से ज्यादा वाटर होल्स हैं। इनमें 103 से ज्यादा वाटर होल्स प्राकृतिक रूप से बने हैं और यहाँ वर्ष भर पानी रहता है। साथ ही लगभग 150 कृत्रिम वाटर होल्स भी बनवाए गए थे। इनमें जहां अभी तक पाइपलाइन नहीं है वहां टैंकर द्वारा पानी भरवाया जाता है। जहां तक है कि यहां
कुछ नेचुरल पानी उपलब्ध रहता है नदी नालों में, कुछ हमें आर्टिफिशियल वाटर में पानी डालना पड़ता है। तो पूरे सरिस्का की अगर बात करें तो जो ये सरिस्का का जो एरिया है उसमें हमारे 250 से ज़्यादा वाटर होल हैं, 103 से ज़्यादा वाटर होल नेचुरल हैं जहाँ पर नेचुरल पानी उपलब्ध है। नेचुरल से तात्पर्य कि पूरे वर्ष भर पानी वहाँ उपलब्ध रहता है गर्मियों में, और लगभग 150 वाटर होल आर्टिफिशियल हैं जिसमें हम सोलर से, पाइपलाइन से, या जहाँ पाइपलाइन अभी नहीं लगा पाए वहाँ टैंकर से पानी डालते हैं। तो इसके कारण वन्य जीवों को पानी की ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है, पर्याप्त पानी उपलब्ध है। इन दिनों तेज भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, जहां गर्मी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। अगर हम सरिस्का जंगल की बात करें तो वन्य जीवों के लिए जो भीषण गर्मी है उनमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे में जो उन्होंने पानी के लिए जगह जगह जैसे वाटर होल्स है उन पर ट्रैक्टर से टैंकर द्वारा पानी भरवाया जा रहा है, क्योंकि कई बार पानी के चक्कर में जो वन्य जीव है वो भटकते हुए आबादी की ओर पलायन कर जाते हैं, ऐसे में उनका शिकार होने का खतरा मंड रहता है। अगर गर्मियों में पानी की व्यवस्था अच्छी हो तो जो वन्य जीव प्राणी है वो जंगल में रह सकते हैं और उन्हें आसानी से पानी मिल सकता है। ऐसे में जो कृत्रिम वाटर होल्स है और नेचुरल वाटर होल्स है उनमें पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। इन दिनों प्रचंड गर्मी और सूर्य देव के तीखे तेवर के चलते आम जन परेशान हो रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में बाजारों में दोपहर बाद पूरी चहल पहल बंद हो जाती है, साथ ही सन्नाटा पसरा रहता है। दूसरी ओर नटनी का बारा रूपारेल नदी में गर्मी से बचने के लिए बंदर पानी में बार बार छलांग लगाते हुए नजर आए। यहाँ मौजूद लोग भी ये नजारा देख रहे थे। थानागाजी के प्रतापगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव ने निरीक्षण किया। यादव ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती गर्मी और लू ताप घात को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद निरीक्षण किया गया है, साथ ही मरीजों से भी वार्ता की गई। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी ने प्रतापगढ़ में तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। और हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी आ रहे हैं कि सब कुछ सही चले और व्यवस्थाएँ मोटर पंखों की व्यवस्थाएँ सही हो। इसमें जो भी लापरवाही किसी के द्वारा बरती जाएगी उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीजन को लेकर के भी है, इसके हम साप्ताहिक मीटिंग भी रखते हैं, मंडे मीटिंग उसमें इसका विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ पे टैंकरों की ज़रूरत है, कहाँ पे पानी कम आ रहा है, तो उसकी व्यवस्था देख ली। ये इनको कॉल कर रखा है, सभी अधिकारियों को बोला हुआ है, तहसीलदारों को बोला हुआ है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाँच करें। नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत टीकरी में पानी के लिए महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक टंकी पर लाइन लगाने के बाद पानी भरने के लिए उनका नंबर आता है। इस स्थान पर जलदाय जीवन मिशन योजना के तहत टंकी ही नहीं बनाई गई। उधर गांव की महिला हेमा ने बताया कि पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार पानी नहीं मिलने पर वे खाली बर्तन लेकर मायूस लौटते हैं। वहीं स्थानीय निवासी सचिन धीवर के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की लाइन आधे गाँव में ही डाली गई है। हाल ही ठेकेदार के श्रमिकों ने यहाँ JJM योजना के तहत लगी बोरिंग को चेक किया था, लेकिन कुछ जगह से लीकेज होने के कारण वे उसे छोड़कर चले गए। वहीं PHED के कनिष्ठ अभियंता भगवान सिंह के अनुसार JJM योजना के तहत हुई बोरिंग को प्रारंभ कर ग्राम पंचायत के सरपंच को सौंप दिया गया है। यदि संचालन नहीं हो रहा है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये जो जल जीवन मिशन के तहत ये पेप दबी हुई थी, ये 150 घरों की बस्ती थी जिनमें से 100-120 के लगभग दाबी गई थी और बाकी को छोड़ दिया गया था। और फिर उनसे बोला था कि भैया ये कब चालू होंगी, उन्होंने बोला 15 दिन में चालू हो जाए। उसके बाद ये हो गया कम से कम 8-9 महीने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार बस खाली 5 मिनट के लिए चलाया गया था, क्योंकि ये लाइन चेक करने के लिए लाइन पीछे फट गई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। फिर उन्होंने दोबारा हमने फ़ोन भी किया था 2-4 दिन के बाद, उन्होंने की थी हम 15 दिन में फिर कर देंगे। फिर 15 दिन को लेकर वो 1 महीना फिर हो गया, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जइए नैयन है, वो कोई सुनवाई नहीं कर, फिर फोन पे कह देते हैं कि भाई गर्मी में हम तो अभी 15 दिन में चालू करवा देंगे, लेकिन वो कोई कार्रवाई करते ही नहीं है। फोन पे बोल देते हैं और लेकिन करते नहीं। हमें जल्दी से जल्दी सरकार से ये है कि बस हमें पानी
चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमें यहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो, पानी के कारण हमें इधर से उधर जाना पड़ रहा है, तब भी हमें कोई पानी का समाधान नहीं है। जल्दी से जल्दी पानी की सुविधा करी जाए। जो हमारे यहाँ पे नए नल की सुविधा हुई थी उसमें सिर्फ एक दिन के लिए 2-4 मिनट के लिए पानी आया था, उसके बाद पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। और जल्दी से जल्दी हमारे पानी की सुविधा करी जाए। खैरदल तेजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देश पर चिन्हित स्थलों पर पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए हैं। उन्होंने जिला सचिवालय भवन की दीवारों एवं छत पर 40 परिंडे लगवाए हैं। जिला कलेक्टर ने नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वे आमजन और पशु पक्षियों के हित में ठोस कदम उठाएं, साथ ही आश्रय गृह भी बनाए जाएं। उधर नगर परिषद खैरथल और भिवाड़ी आयुक्त ने बताया कि भीषण गर्मी से बचने के लिए बस स्टैंड पर छाया और कूलर की व्यवस्था की गई है। खैरथल के वार्ड 21 की महिला कश्मीरी कौर ने खैरथल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अनुसार वार्ड 20 के आरोपी ने अपने साथियों के साथ उसके घर पहुंचकर गाली गलौज भी की। इसके अलावा साथ आए लोगों ने घर में तोड़फोड़ कर डाली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। खैरथल के वार्ड 25 आनंद नगर कॉलोनी स्थित जाट कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर जेवरात पार कर लिए। पुलिस ने बताया कि खेमलता वाल्मीकि ने मामला दर्ज कराया है। 23 मई की शाम को 5 बजे अपने घर के गेट पर ताला लगाकर वह अपने पीहर किशनगढ़ बास चली गई थी। 26 मई को वापस लौटने पर कमरों के गेट टूटे हुए मिले। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा है कि 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इसमें किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह कार्यक्रम अलवर में सर्किट हाउस के पास चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल और जाट छात्रावास में होगा। मेरा ये कहना है और मैंने सभी को सूचित भी किया है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि अलवर शहर में भी मनाई जाएगी। एक तो सर्किट हाउस के पास जो वह मूर्ति लगी है वहाँ, और एक जाट छात्रावास में। चौधरी चरण सिंह जी ने जो इस देश में किसानों के लिए किया वो आज तक इस देश में किसी भी नेता ने, राजनीतिक दल ने भी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी ने ही किसानों के लिए MSP कर लागू करने की विचारधारा उन्हीं की थी जो आज तक लागू बहुत कम उसमें हुई है। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर अब विवाद भी हो रहे हैं। वार्ड 22 के लोगों ने सोमवार को यहां रास्ता रोका। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम को खुलवाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसी जगह पर रास्ता रोक दिया गया। उमा शंकर शर्मा के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित के अनुसार हमलावर मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर रहे थे। जब इसका विरोध करने गए तो वहां कुछ महिलाएं भी पहुंच गई। इसके बाद पीड़ित के साथ मारपीट की गई। उसने दो लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सौ फीट गहरे बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम। लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में रेस्क्यू टीम ने सकुशल निकाला बाहर। मत्स्य यूनिवर्सिटी में रिसर्च अटकने से परेशान अभ्यर्थियों ने दिया धरना। वहीं कार्मिक का जूता महिला धरनार्थी को लगने के बाद अभद्रता के लगे आरोप। केडलगंज में गोदाम से घर जाते व्यापारी पर हुआ हमला। पुलिस ने 3 को लिया हिरासत में। और पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों का अब पार्षदों पर फूट रहा गुस्सा। वार्ड 36 में घेराव के शिकार पार्षद ने अफसरों द्वारा सुनवाई नहीं करने की बताई मजबूरी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।